दिल तो माने हरिजन मिल जोरे दूरी जने दूरा रही जोरे मिल तो माने हरिजन मिल दूरी जने दूरा रही राके रामे आजू हरिजन मिलिया हरि मिले रे राम जी राके रामे आजू दुर्जन मिलिया दुख गण रे राम जी के निंदा दूजो को दुर्जन मिलिया दुख गण रे राम जी के निंदा दूजो को मिलो तो मने हरिजन मिले जा रे दूरी जन दूरा रही तारो यागयो तारियो रे राम जी निना गणो सने मातारो यागयो तारियो राम जी निना गणो सने मिलो तो माने हरिजन मिले जाने दूरी जन दूरा रही संतन की दे रोम रोम में रम रया राम जी जुबादन में रोम रोम में रम रया राम जी जुबादन में मिलो तो माने हरिजन हरिजन मिल जाने दूरी जने दूरा ओ तरवर सरवर संत जना राम जी तोता
परमान तेरे कारणे राम जी चारा धारी दे परमान तेरे कारणे राम जी चारा धार मिलो तो मने हरिजन मिले जारे दूरी जने दूरा रही जने मिलो तो मने हरिजन मिले जारे दूरा रही जने मिलो तो मने हरिजन मिले जारे दूरी जने दूरा रही जने मिलो तो मने हरिजन मिले दूरी जने दूरा निर्मल नैन आंगे वारा शीतल ओ राम जी मुकराय अमरत बे निर्मल नैन आंगे वारा शीतल ओ राम जी मुकराय अमरत बे कहे कबीर माने नित मिलो ये सारा में सने से कहे कबीर माने नित मिलो ये सारा में सने से मिलो तो माने हरिजन मिल जाने दूरी जन दूरा रही हरिजन मिल जाने दूरा रही जाने मिलो तो माने हरिजन मिल जाने दूरी जने दूरा रही मिलो तो माने हरिजन मिल जाने दूरी जने दूरा रही दरियाव जी महाराज स्वामी दादुदयाल महाराज सदगुरु कबीर साहिब की सरल संत महात्मा सत्य सनातन धर्म की सदगुरु कबीर साहब परमात्मा से साहिब से करुणा करते हैं हमको हरिजन मिलो आपके जन मिलो आपके भक्त मिलो मिलो तो माने हरिजन मिल जो दूरी जन दूरा रही परमात्मा के जब जन मिलते हैं संत मिलते हैं परमात्मा की यादें दिलाते हैं परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं जगत के लोग संसारी दुर्जन दुष्ट लोग मिलते हैं वो परमात्मा को भुला देते हैं इसलिए मीरा ने फरमाया है वाणी में साधु देख हांसी मैं तो जगत देख रोई रे संतो संग में बैठ बैठ लोग लाज खोई रे साधु देख हांसी मैं तो जगत देख रोई रे संतो संग में बैठ बैठ लोग लाज खोई रे लोगा लाज खोई श्री सदगुरु जी महाराज मेरा कह रही है संतों के संग में बैठ करके मैंने लोगा लाज को खो दिया
साधु देख हंसी मैं तो जगत देख रोई। संत मिले जो प्रसन्नता भाई, खुशी भाई। संत परमात्मा की यादें दिलाते हैं। संतों का दर्शन होते ही परमात्मा सुते याद आ जाते हैं। कबीर दर्शन संत का साहिब आवे याद, कबीर दर्शन संत का साहिब आवे याद, ले केरी वाई गड़ी बाकीरी बर्बाद, ले केरी वाई गड़ी बाकीरी बर्बाद, बाकीरी बर्बाद। बोलो राम जी महाराज। जब संत मिलते हैं, संतों का दीदार दर्शन होते हैं, तो परमात्मा की याद ही आती है, भगवान की स्मृति आती है। परमात्मा की याद में हम जो सांस लेते, दम लेते हैं, वो सांस हमारा स्वार्थक माना जाता है। फरमाया महापुरुषों ने 621 दिन ए तदम सब जावे, 621 दिन ए तदम सब जावे, शब्द लपड़ो सांस जो नीसरे सोले के में आवे, शब्द लपटो सांस जो नीसरे सोले के में आवे, सोले के में आवे। रात और दिन में 21,600 हम सांस लेते, दम लेते हैं। उन सांसों में से वही सांस अपना कीमती है भाई बहनों, जिन सांस के साथ में परमात्मा का नाम जुड़ा है। जो दिन जाए भजन के लेके सो दिन आशी गिनती में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे लोगों, भजन में, स्मरण में, सत्संग में हमारा जीवन का समय हम बिताते हैं, वही समय अनमोल है जीवन का, वही जिम्मे समय स्वार्थक है भाई बहन, बाकी समय का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। 621 दिन एता दम सब जावे, शब्द लपटे साहस जो निसरे सो लेखे में आवे। परमात्मा का जो नाम लेते लेते हम सांस लेते हैं, दम लेते हैं, वो सांस कीमती है। और वो सांस कितना कीमती है, सदगुरु कबीर साहब ने उस सांस की कीमत संख्या बताई है। कहता हूं के जात हूं के बजाऊं डोल, एक सांस ही जाते हैं तीन लोग का मोल, एक सांस ही जाते हैं तीन लोग का मोल। जिस सांस के साथ में परमात्मा का नाम है, उस सांस की कीमत बताइए, वो सांस कीमती है। कहता हूं के जात हूं के बजाऊं ढोल, एक सांस ही जात है तीन लोग का मोल। इतना एक सांस कीमती, जिस सांस के साथ में परमात्मा का नाम, वो सांस कीमती है। जिन सांस के साथ में परमात्मा का नाम नहीं है, वो सांस कैसा है, वो सांस लोहार की धोवणी जैसा, उनका कोई अर्थ नहीं महाराज, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जब संत मिलते हैं तो परमात्मा की याद ही आती है, उनकी स्मृति आती है, और परमात्मा की याद में जो हम सांस लेते वो सांस हमारा कीमती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मिलो तो माने हरिजन मिल जो, दुष्ट जन दूरा रे जो। जीवन में मिलो तो परमात्मा का जन, संत भक्त मिलो,
जो परमात्मा को बुलाने वाले लोग हैं उनको तो परमात्मा आप दूर ही रखना, दूर रखना। हरिजन मिलिया हरी मिले, राखे राम हजूर। हरिजन मिलिया हरी मिले, राखे राम हजूर। दुर्जन मिलिया दुख गणो, एक निंदिया दूजो कूड़। दुर्जन मिलिया दुख गणो, एक निंदा दूजो कूड़, एक निंदा दूजो कूड़। बोलो राम जी महाराज। हरिजन मिलिया हरी मिले, भाई बहनों जीवन में संत मिल जाए तो अनुभव करो परमात्मा मिलने वाले हैं। परमात्मा का मिलने का यह संदेश है महाराज, यह शुभ सुगन है। जब संत मिल जाए तो अनुभव करना कि अब परमात्मा ही मिलने वाला है। जैसे देखो बरसात जो होती है 10 कोस दूर पर बरसात बरसती है, परंतु उनके पहले ठंडी वायु बावल आती है। वो ठंडी जो हवा आती है वो बरसात का संदेश ले आती है, पीछे बरसात आ रही है। उस बावल को देख करके हम अनुभव कर लेते पीछे बरसात हो रही है। तो भाई बहनों जीवन में संत मिले तो ये संदेश है, पीछे परमात्मा आए मिलने वाले हैं। हरिजन मिलिया हरी मिले, दाखे राम हजूर। दुर्जन मिलिया दुख गणो, एक निंदिया दूजो कूड़। दुर्जन मिलिया दुख गणो, एक निंदिया दूजो कूड़। श्री सदगुरु जी महाराज की। दुष्ट आदमी मिलेगा, जगत की संसार की झूठी बात सुनाएगा, दूसरों की आलोचना निंदा सुनाएगा। भाई बहनों दूसरों की बुराइयों से बचो, निंदा से बचो, अवगुणों से बचो। न किसी की निंदा करो, न किसी की निंदा सुनो। गुरुमुखी भाई बहनों को इस प्रसंग पर ध्यान देना, हम साधना करते हैं, सत्संग सुमिरन करते हैं, परंतु इन दोषों के कारण से लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। न किसी की निंदा करो, न किसी की निंदा सुनो। दूसरों की निंदा करने से सुनने से उनका जो अवगुण जो है वो अपने अंदर आ जाता है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, दुर्जन मिलिया दुख गणो, एक निंदा दूजो कूड़। अपना दिल गंदा कर जाता महाराज, गंदा कर देता। देखो चश्मा से निजर की ज्योति ठीक काम करती है, ठीक साफ दिखाई देता है, पर उन्हें चश्मा पर जो चीखना जो हाथ लगा दो आप, दिखना बंद हो जाएगा। फिर उनकी सफाई करो तब ठीक दिखाई देगा। ऐसे भाई बहनों जगत की संसार की निंदा चुगलियां जो है ना, बुराया है, यह अपनी दृष्टि को अंधी कर देती है। चश्मा पर दबा लग जाता महाराज, फिर ठीक से दिखाई नहीं देता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा ऐसे लोगों से तो आप दूर रखना, इन लोगों को जीवन में मिलाना मत। मिलो तो माना हरिजन मिल जो, दुष्ट जन दूरा रिजो। परमात्मा की घर की बात के, भगवान की चर्चा सुनावे, अपने जीव संबंधी कोई बात सुनावे, ऐसे संतों का आप दर्शन दिलाओ, ऐसे संतों का आप मिलन कराओ। साधु आवत देख के हंसिया मारी दे, साधु आवत देख के हंसी हमारी दे। मातर अग्नि उतारियो, नेड़ा गणो सने
मातर अग्य उतारियो नेणा गणो सने, नेणा गणो सने। बोलो राम जी महाराज। साधु आवत देख के हंसी हमारी दे, दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी। भाई बहनों ये कल्याण का चिन्ह है, संत मिले तब दिल में प्रसन्नता हुए, खुशी हुए, दिल कमल खिल जाए, जो कल्याण का चिन्ह है, मुक्ति का चिन्ह है। ये धर्मदासी सदगुरु कबीर साहब के शरण गए और जाकर के उन्होंने प्रार्थना की है, सदगुरु हमारा उद्धार हो जाएगा, ये हम कैसे अनुभव करें। तो सदगुरु कबीर साहब ने यही बताया, धर्मदास जब जीवन में ऐसा बरते तो अनुभव करना हमारा उद्धार हो जाएगा, जिनमें कोई संदेह नहीं है। कैसा बरते? परतम प्रेम अंग में आवे, साधु देख कर सनमुख ध्यावे। परतम प्रेम अंग में आवे, साधु देख कर सनमुख ध्यावे। साधु देख कर सनमुख ध्यावे। फिर सदगुरु जी महाराज, परतम प्रेम अंग में आवे, साधु देखकर सनमुख ध्यावे। संत मिलते दिल में अति प्रसन्नता होए, बड़ी खुशी होए, दिल कमल खिल जाए, साधु देखकर सनमुख ध्याए, मुंह ने छुपाए। जब जीवन में ऐसी बरते तो अनुभव करना हमारा उद्धार होगा, जिनमें कोई संदेह नहीं है। तो यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माथारो अग उतारियो नेणा गणासने। संतों के चरणों में नमन करने से, नमस्कार करने से अपना पाप जो कहते हैं पोट गिर जाती है। शीश निवाया गिर पड़े लग पापन की पोट, ऐसा हमारे महापुरुषों ने बताया। भाई बहनों गुरु धर्म के अंदर गुरुमुख के लोगों को ये सिखाया जाता है, साष्टांग प्रणाम करना, नमस्कार करना, सिर झुका करके नमस्कार करना। महाराज ये सारा क्यों सिखाते हैं कि इनसे जीवन में सरलता आती है, जीवन में गरीबी दीनता आती है, और जहां दीनता है तो वहीं भक्ति का निवास है। महाराज वहीं भक्ति का निवास है। गुरुमुख के लोगों को यह सिखाया जाता है, सदा दीनता की तरफ रहना, सदा झालांध की तरफ रहना। साधु जल का एक अंग ऐसा बताया, साधु जल का एक अंग बरते सेज स्वभाव, साधु जल का एक अंग बरते सेज स्वभाव, ऊंच दिशा नहीं संचरे निवण जा डलकाओ, ऊंच दिशा नहीं संचरे निवण जा डलकाओ, निवण जा डलकाओ। बोलो राम जी महाराज। साधु और जल का एक सिद्धांत बताया, साधु कोई वेशभूषा को लेकर के नहीं, आप सब साधु हो महाराज, और अपना आप को कबूल करो, हम साधु हैं, ऐसा कबूल करो। जो संतों के सानिध्य में जाने वाले जो गुरुमुखी भाई बहन, वो सब साधु है। साधु का अर्थ साधना करने वाला, संत जिन्होंने साधना कर ली है, साध ली है, वो संत है। जो साधना करता है वो साधु है महाराज। सत्संग में एक दिन प्रसंग आया था, संतों से पूछा महाराज, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने एक पत्र लिखा, जिनमें पूछा गया कि महाराज साधु और संत में क्या फर्क है। तो स्वामी जी महाराज ने इनका खुलासा किया, भाई साधु और संत में यह फर्क है, जो परमात्मा का भजन करता है वो साधु कहलाता है,
और परमात्मा जिनका भजन करता वो संत कहलाता है। अब इनमें कितना फर्क है भाई बहन, जो भगवान का भजन करते वो साधु है, पर जो भगवान जिनका भजन करते वो संत कहलाता है, वो संत है, बहुत फर्क है। साधु और संत में बहुत फर्क है। परमात्मा का भजन करते वो साधु है, परमात्मा जिनका भजन करते वो संत है। कबीर साहब संत है, भरत जी संत है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे रटत कबीर कबीर, पीछे पीछे हरि फिरे रटत कबीर कबीर, रटत कबीर कबीर। श्री सदगुरु जी महाराज, यही संत की परिभाषा है महाराज, यही परिभाषा है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मन निर्मल भया, मन पवित्र भया, निर्मल परमात्मा का स्मरण किया, भजन किया। भाई भाइयों, साधु से ही संत होता है। पहले साधु साधना करता, परमात्मा का भजन करता है, जब परमात्मा को रिझा लेता, राजी कर लेता है, फिर वो संत पदवी को पाता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे रटत कबीर कबीर, पीछे पीछे हरि फिरे रटत कबीर कबीर, रटत कबीर कबीर। बोलो राम जी महाराज, यही संत है। जिनका परमात्मा भजन करे, जिनका साहेब भजन करे, खुदा जिनका भजन करे, उनको संत कहते हैं। कबीर साहब संत है, जिनका भगवान भजन कर रहे हैं, कबीर कबीर कह रहे हैं। पीछे पीछे हरि फिरे रटत कबीर कबीर, श्री सदगुरु जी महाराज। जिनका परमात्मा भजन करे वो संत है, जो परमात्मा का भजन करते वो साधु है, वो साधु है। आप साधु हो, आप साधना कर रहे हो, साधना करने वाला साधु कहलाता है, साधक कहलाता है। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में बार बार साधु संबोधित करते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मुमुक्षु लोगों को, जिज्ञासु लोगों को साधु कह करके सदगुरु कबीर साहब संबोधित करते हैं, हे साधु अपना आप को साधु कबूल करो भाई बहन, कबूल करो हम साधु हैं, ऐसा कबूल करो। जब हम ऐसा कबूल करेंगे तभी अपने अंदर साधुता ही आएगी, सुते आ जाएगी। कबूल कर लो। गुरुदेव एक प्रसंग सुनाते, बहुत बार मुमुक्षु लोगों को, जिज्ञासु लोगों को कबूल करो, बस इसी प्रसंग पर ही प्रसंग देते, अपना आप को कबूल करो, हम सत्संगी हैं, हम साधु हैं, हम राम सनई हैं, ऐसा कबूल करो महाराज। ऐसा कबूल करने बाद अपने आप में साधुता आएगी, सत्संगीपना आएगा, गुरुमुखीपना आएगा महाराज। कन्या का प्रसंग देते, जैसे कन्या अपना माँ बाप के घर रहती है, अपना आप को जब तक वो कन्या मानती तब तक उनकी क्रिया में चंचलता रहती महाराज, दौड़ जाती है, जोर से बोल जाती है, उनकी क्रिया में चंचलता है,
पर जब उनके माता व्याहित करके ससुराल में भेजते हैं, जब विदा देते सीख देते हैं, उस समय वो कन्या घूंघट निकालती है। घूंघट निकालने के बाद में वो कबूल करती है कि मैं अब कन्या नहीं हूं। मैं भक्ति सागर में एक प्रसंग आया है। एक कोई गांव में कोई किरायादार रहते, एक नीचे मंजिल में एक ऊपर मंजिल में। तो नीचे मंजिल में जो रहते हैं वो बहन गुरुमुखी थी, सत्संगी थी, सजन थी वो। ऊपर जो मंजिल में रहती तो उनका स्वभाव ऐसा क्रूढ़ स्वभाव था, दुष्स्वभाव था। तो ऊपर के मंजिल में रहती उनके छोटा बच्चा था, वो गंदगी कर देता। वो क्या करती, रूई से गंदगी को पोंछ करके नीचे रहती उनके आंगन में डाल देती। सदा उनका यही जो कहते स्वभाव था। नीचे जो रह रही ही थी वो बहन सजन थी, गंदगी से भर करके जो रुई को नीचे फेंकती वो बहन उस रुई को गर्म पानी से धो करके शुद्ध करके इकट्ठी करनी शुरू की। कितने दिनों में उन्होंने किला दो किला वो रुई इकट्ठी कर ली। वो हमेशा फेंकती रहती महाराज, और वो हमेशा को उनका व्रत नेम रहा, जो रुई को फेंकती गंदगी भर करके और वो सफाई करके गर्म पानी से धो धा करके शुद्ध करके और वो कहते हैं अच्छी कर लेती। डेढ़ किला दो किला रू होगी, फिर उनको कथा करके उनका स्वेटर बनाया। स्वेटर बना करके और अच्छी तरह समेट करके एक थैली में डाल करके वो बहन ऊपर मंजिल में गई। ऊपर मंजिल में जा करके और उस बहन को प्रार्थना की, बहन जी ये आपका स्वेटर लो। वो बहन कह रही है मैंने आपको स्वेटर कब दिया, स्वेटर नहीं दिया है आपने, हमको रुई दी है। मैंने आपने जो रुई दी है उनको काट करके मैंने स्वेटर बनाया है, और ये स्वेटर आपका ही तो है, रुई आपकी तो स्वेटर आपका ही तो, और किसका है। तो उस बहन ने कहा मैंने आपको रुई कब दी है। बोले आप हमेशा कृपा करते हो ना, आप हमेशा हमको रुई देते हो, हमारे आंगन में डालते हो। उस बहन ने विचार किया मैं तो बच्चा की गंदगी को सफाई करके डालती हूं, हाँ वही तो रुई है ना। भाई बहनों उनके जीवन में ऐसा प्रभाव बढ़ा, अपना आप को दृकार देने लगी, उनसे समय आचना करने लगी, बहन तुम्हारे जीवन में कितनी सजनता है, मैं कितनी दुष्ट हूं जो गंदगी से भर के मैं तुम्हारे आंगन के अंदर रुई पटकती, और तुम कितने सजन हो जिनको धो धा करके पवित्र करके और कथाई करके स्वेटर बना ले आई हो। धन्य हो तुम्हारे को, तुम्हारे गुरु महाराज को, तुम्हारी सत्संग को। उनका भी जीवन सुधर गया, वो भी सत्संगी गुरुमुखी बन गई। भाई बहनों ऐसा व्यवहार करो एक दूसरा के साथ में, अपना जो कहते हैं स्वभाव दूसरा पर प्रभाव का डाले तो वो भी सुधर जाए। एक दूसरा से विरोध मत करो, सत्संगी हो आप गुरुमुखी हो, एक दूसरा को मान दो सम्मान दो। महाराज सत्संग क्या कहती है, अपना गुरुधर्म क्या कहता है, किसी से विरोध करना क्या गुरुधर्म कहता है अपना। सबको मान दो, सबका सम्मान करो, सबके अंदर हमारा मालिक बेटा, हमारा इष्ट देव बेटा है। साहिब सब गट माहे विराजे, सबके अंदर बेटा है वो मालिक। जिसका हम अपमान करते वो अपमान हम किसका कर रहे हैं, अपना इष्ट देव का। सत्संग अपने को यही सिखाती है, किसी से विरोध मत करो, किसी से द्वेष मत करो, सबको मान दो। देखो अपना कोई अपमान करे, कोई द्वेष करे तो अपने को कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है महाराज। अपने को जो बुरा लगता है तो हम किसी के साथ में ऐसा करते उनको क्या बुरा नहीं लगता है। विचार करो, सोचो समझो भाई बहनों, हमारा कोई सम्मान करे आदर करे तो हमको कितनी प्रसन्नता होती, कितनी खुशी होती है। तो ऐसे दूसरों को प्रसन्नता दो, दूसरों को खुश करो महाराज, खुश करो। यही तो जीवन का सार है, ये मनुष्य जीवन कर्म भूमिका है महाराज, कर्म भूमिका है। यह हमारे आगे जन्म की भूमिका बनती है, नक्शा बनता है महाराज, नक्शा बनता, तैयारी होती है।
आप कहां जाओगे? यहां तैयारी हो रही, आप देवलोक में जाओगे या सतलोक में जाओगे या और कोई लोक में जाओ, नरक में जाओ, कहां जाओगे? पशु योनि में जाओगे। यहां से तैयारी हो रही है या भूमिका बन रही है, नक्शा बन रहा है? आपके अंदर देवता का स्वभाव है तो जरूर आप देवलोक पाओगे। आपके अंदर पशुओं का स्वभाव है तो पशु योनि पाओगे महाराज, पशु योनि पाओगे। आप में असुरों का स्वभाव है तो असुर लोक में जाओगे। आप में संत का स्वभाव है तो जरूर सतलोक पाओगे। जैसी हमारी तैयारी है अभी ऐसी ही आगे योनि मिलेगी महाराज। जैसी विद्यार्थी पाठशाला में जाता है और जैसी तैयारी करता है, जैसा सब्जेक्ट लेता, जैसी पढ़ाई करता है, ऐसी उनको नौकरी मिलती है। जैसी विद्यार्थी ने व्यवस्था की है, जैसी तैयारी की, जैसी पढ़ाई की है, बस उनको वही नौकरी मिलेगी, दूसरी नहीं। ऐसे भाई बहनों अभी हमारी कैसी व्यवस्था, हम कैसा नक्शा बना रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं, विचार करो। भूमिका का सुधार करो भाई बहनों, सत्संग का यही सार है, सुधार करो। पहले सुधार होगा फिर बाद में उधार होगा। जब तक जीवन में सुधार नहीं है तो उधार नहीं हो सकता। संसारियों में और अपने सत्संगी लोगों में कुछ फर्क होना चाहिए। राग द्वेष संसारी लोग भी करते हैं और वही आप यहां आने के बाद करते हो तो फर्क क्या है? सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, तेरी भक्तिया दाता गुण कहो जग जने एक समाना, के तो निज भक्ति ने के पेरेड़ा है जोटा बाना पाखंडे महाराज। दोनों एक समान क्यों लगता है? कुछ फर्क होना चाहिए, कुछ भेद होना चाहिए। सत्संगी लोगों की भाषा में, बैठ में, उठ में, व्यवहार में सारा फर्क होना चाहिए। जगत के लोग करते ऐसे, आप करते हैं तो उनमें अपने में क्या फर्क है? भाई बहनों कुछ फर्क होना चाहिए। अपनी बोली शुद्ध होनी चाहिए, बोली में प्रेम प्यार होना चाहिए महाराज। अपनी बोली से, अपने वचन से किसी को ठेस नहीं पहुंचे, किसी को कष्ट नहीं हो, किसी को तकलीफ नहीं हो, ऐसा भाषण मत करो, ऐसा बोल मत बोलो महाराज। कुट बजना से दुख उपजे कड़े काल रो मूल। भाई बहन सुधार करो, सुधार करो, अपना आप को कबूल करो। हम साधु हैं तो स्वतः सुधार हो जाएगा। अपना आप को कबूल करो, हम साधक हैं तो साधना होगी महाराज जरूर। नहीं करोगे तो आप संकोच आओगे, आपको शर्म आएगी। हम साधु कहलाते फिर सो रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं तो संकोच होगा, लजा आएगी, लजा आएगी महाराज। हम सत्संगी हैं ऐसा कबूल करो। सत्संगी हैं तो सत्संगी के समान हमारा स्वभाव, हमारा कुछ बर्ताव होना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तरबर सरवर संत जना चौथा बरसे में, परवर सरवर संत जना चौथा बरसे में, परमारथ के कारण संतादारी दे, परमारथ के कारण ये चारों दारी दे। बोलो राम जी महाराज की। तरवर सरवर संत जना चौथा बरसे में, तरवर वृक्ष जो कहते कितना परोपकार करता, कितना परोपकारी है वो। सदगुरु कबीर साहब ने प्रमोद में कहा है, लोगों वृक्ष की मति ले हो, वृक्ष का स्वभाव लो, मन रे वृक्ष की मति ले, जो जिनको पत्थर भावे उनको ही फल दे, उनको फल दे। एक कोई यात्री आदमी यात्रा में निकला था, रास्ते रास्ते जा रहा है, बगीचा से किनारे होकर के निकल और गुजर रहा है। बगीचा के अंदर बड़ा जो कहते एक अंबा का पेड़ था और दीवार के किनारे ही वो वृक्ष था, तो कुछ उनके जो डालियां है, डाला है वो दीवार से बाहर झुकी हुई थी। बड़ा जो उनके जो आम लगा हुआ था बड़ा बड़ा,
उस यात्री ने विचार किया भूख लगी है और इस वृक्ष पे यह आम लगा हुआ है, तो उन्होंने आम को खेरने के लिए एक पत्थर फेंका। पत्र फेंका तो पत्र के चोट से कहते आम तो गिर गया, पर जो पत्र जो टकराता हुआ नीचे गिरा, उस वृक्ष के नीचे राजा सोया हुआ था और वो पत्र जाकर के राजा के सिर में पड़ा। राजा की चोट आई, हल्ला हुआ, ये किसने पत्र मार दिया, किसने चोट मार दी, हल्ला हुआ। इतने में कहते वो बेचारा यात्री भागा वहां से, अगर लोगों ने पीछा किया, उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, लाकर के राजा के पास हाजिर किया, महाराज इनने ही आपका सिर फोड़ा है, इन्होंने पत्थर मारा है, इनको क्या दंड होना चाहिए। जितने बड़े लोग होते हैं उतने ही उनमें सहन शक्ति होती है महाराज। खम्या बड़ा को होते है वो छाको उत्पात, या विष्णु का गढ़ गया भृगु ने मारी लात। भाई बहनों जितने बड़े लोग होते हैं उतने ही उनमें सहन शक्ति होती है, जितने छोटे ओछे लोग होते उनमें सहन शक्ति नहीं होती, उनमें तामस रीस क्रोध बार बार ऐसा होता है। जितने बड़े लोग होते हैं उनमें सहन शक्ति होती है। देखो छिल्लर पानी होता थोड़ा सा वायु चले वो पानी गिदल जाता है, सागर में गंभीर पानी होता कितना तो महा चले महाराज, कितनी तरंगा चले फिर भी कहते पानी गिदलता नहीं, क्यों गहरा पानी है। खमिया बड़ा को होते ओछा को उत्पाद, बड़े लोगों को सहन शक्ति होती है। राजा ने उस सज्जन को पूछा अरे भाई तुमने पत्थर क्यों आया। बोले महाराज मैं रास्ते चल रहा था, भूख लग गई और मैंने आम को नीचे गिराने के लिए पत्थर फेंका था, तो पत्थर के फेंकने से वृक्ष ने तुमको क्या दिया। बोले हमको आम दिया है। राजा उन लोगों को कहने लगे सिपाही लोगों को भाई ये वृक्ष जो है इन वृक्ष के इन्होंने पत्थर मारा, पत्थर की चोट खा करके इन्होंने फल दिया है और ये वृक्ष है, मैं तो एक मनुष्य हूं महाराज और वही पत्थर मेरे यहां लगा है, तो वृक्ष ने इनको फल दिया है और वही पत्थर आकर के हमारे चोट की है, तो हमारे को तो इनको कुछ देना चाहिए ना। राजा ने बहुत उनको धन दिया, बहुत धन दिया है, गरीब को उनको अमीर बना दिया महाराज। प्रसंग पर ध्यान दो भाई बहन, वृक्ष जो है मार खा करके उल्टा फल देता है, नीचे बैठते उनको परछाई देता है, कितना वो परोपकारी है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के तुम भी वृक्ष की मति ले, मनुष्य वृक्ष की मति ले, परोपकार करो जीवन के अंदर, सेम का सेन करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तभी बलियारी है आपकी, तभी बलियारी है। आप सो रहे हो आपके नीचे बिस्तर है एक पास में ऐसे ही सो रहा है, अगर आप सत्संग गुरुमुखी हो तो उनको भी बिस्तर दो, आप नीचे सो जाओ उनको बिस्तर पर दो, तब आपकी बलियारी है। आप बस में जा रहे हो कोई सज्जन खड़ा है आप बैठे हो, आप उठ जाओ उनको सीट दो, तब आपकी बलियारी है, तब आप सत्संगी हो, तब आप परोपकारी हो महाराज। कई लोग सत्संग में जाते रास्ता में बस में लड़ लेते सीट के लिए, कहां जा रही हम सत्संग में जा रहे, तो सत्संग तुमको क्या लड़ने का कह रही है, लड़ो तुम सीट के लिए। भाई बहनों जितना हम आराम भोग रहे हैं उनसे हमारा पुण्य नष्ट हो रहा है, जितना हम कष्ट भोगेंगे तकलीफ भोगेंगे उतना हमारी तपस्या हो रही साधना हो रही और पुण्य हो रहा है, ऐसा समझो। देखो इसी दृष्टि से महात्मा लोग तपस्या करते हैं, सब प्रकार से कष्ट सहन करते, सर्दी गर्मी सहन करते, क्यों करते हैं, तब बिना मिले नहीं राज भाग, बिना मिले नहीं सज्जन, तप करने से ही वैभव मिलता है, सुख सुविधा मिलती है, आराम मिलता है महाराज। पर आप सुख भोगोगे तो आपका पुण्य से हो जाएगा, फिर आप कंगाल हो जाओगे। तो आप सत्संगी हो गुरुमुखी हो तो ऐसे बातों पर थोड़ा सा ध्यान दो, आप सुख से बैठे हो कोई तकलीफ में है तो उनको थोड़ा सा जगा दो, फर्ज है हमारा कर्तव्य, वो हमारा ही तो है अंग है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तरवर सरवर संत जना चौथा बरसे में, परमार्थ के कारण कबीर चारों धारी दे, ये चारों पर उपकारी है महाराज।
सागर जो पानी संचय करता है वो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों लोगों के लिए, दूसरों के लिए। बरसात जो बरसते किसी से बांटा नहीं लेती महाराज, वो किसी से बांटा नहीं लेती है, परोपकार परोपकार है। और संत महात्मा कितना अपना अनुभव समय देकर के अपने को विश्राम देते, शांति देते हैं, सत उपदेश देते हैं, सत्य की राय बताते हैं, कितना परोपकार करते हैं। संतों के द्वारा कितना लाभ होता जगत को महाराज। और जितने देखो आप, हम विचार करके हम संतों की सेवा करते हैं, जितनी संत हमारी सेवा करते इतनी आप हम नहीं कर सकते। सेवा करने का अर्थ क्या है? दूसरों को सुख पहुंचाने का समान कोई सेवा नहीं महाराज। किसी तरह दूसरों को राजी करो, प्रसन्न करो, खुश करो, यही तो सेवा है। और संतों की वाणी वचन सुनकर के लोग कितना सुखी हो जाते हैं, कितने सब दुख दुंदों को भूल जाते हैं महाराज। सत्संग में बैठे बैठे लोगों को समाधि लग जाती है, समय का भी भान नहीं रहता महाराज। कितना समय हो गया सत्संग में, सब दुखों को संत बुला देते हैं, कितना परम आनंद मिलता महापुरुषों की वाणी श्रवण करने से। तो संत कितनी बड़ी सेवा करते हैं महाराज, विचार करो, सोचो समझो। हम क्या सेवा करते हैं? भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, भेंट पूजा दे दी, नाशवंत वस्तु है महाराज ये। संत हमारी कितनी सेवा करते हैं, कितनी सेवा करते, विचार करो, सोचो समझो। संतों की वाणी श्रवण करने से अपने को कितना विश्राम मिलता, कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है। और दूसरों को सुख देने के समान कौन सी ऐसी दूसरा परोपकार है महाराज, कौन सी ऐसी सेवा है, विचार करो भाई बहन। सबको सुख पहुंचाओ, तन से, मन से, वचन से, सब प्रकार से सुख दो, आराम दो,